अभी आपको लग रहा होगा कि हम किसी स्विमिंग पूल में खड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम मौजूद है पाथवे पे। आपको हम बता दें कि गंगा का जिस तरह से लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, अब ऐसा नौबत आ गया है जो यहाँ पे पाथवे पे जल बढ़ गया है और बढ़ इस टाइप से 2019 में था, उसके बाद अभी इस तरह से पानी बढ़ा हुआ है। अभी हम मौजूद है कृष्णा घाट पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें 48.60 खतरे की निशानी है और महज 30 सेंटीमीटर कम है, जिससे आप खतरे निशानी से आप कह सकते हैं। और अगर हम बात करें निचले इलाकों की, तो उस पे आप कह सकते हैं पानी बढ़ गया है और प्रशासन उनके लिए नाव की व्यवस्था और जो भी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे पानी बढ़ गया उनके लिए ये एक सब करना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। प्रशासन ऐसा कुछ व्यवस्था उनके लिए नहीं की है, लेकिन ऐसा उनको सोचना चाहिए। और अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे जिस तरह से पानी बढ़ रहे हैं, बच्चे तो यहाँ पे इंजॉय कर ही रहे हैं। आपको तस्वीरों से दिखा रहे हैं किस तरह से लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, बट जिस तरह से पानी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, ये सोचने वाली विषय होगी और प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ताकि कि गहरे पानी में लोग ना जाए। जिस तरह से पानी का बहाव देखने के लिए मिल रहा है, ऐसा डूबने का आसार ज़्यादा रहता है। और ये आप समझ सकते हैं यहाँ पे कॉलेज बहुत सारे हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे घूमते हैं, इनसे हम बात करते हैं और हम जानते हैं यहाँ पे आप रहते हैं। जी जी। कब से पानी बढ़ा है? यही 5 दिन से पानी बढ़ा हुआ है। 5 दिन से यहाँ पे पार्ट यहाँ 2 दिन से बढ़ा है। 2 दिन से बढ़ा हुआ है, तो कितना परेशानी होता है आने जाने में? परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। 2019 के बाद यहाँ पे पानी इस तरह से फिर से आ रहा है, क्या लगता है क्या कुछ करना चाहिए सरकार को लोगों के सुरक्षा के लिए? नहीं, बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि बगल में NIT है, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, हो सकता है पानी अंदर भी जा सकती है रात में, तो इसलिए सरकार को यहाँ सिपाही देनी चाहिए और पानी को जल्द से जल्द ये करनी चाहिए अपने। देख सकते हैं किस तरह से जलस्तर बढ़ा हुआ है और लोगों की लापरवाही। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नहा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ पे लोगों को सुरक्षा का सरकार पे आरोप लगाते हैं कि सुरक्षा नहीं देते हैं, वहीं पे दूसरी तरफ जो लोग लापरवाही करते हैं उसका क्या? जिस तरह से पानी बढ़ा हुआ है, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि जो 30 सेंटीमीटर बचा हुआ है वो भी जिस तरह से बारिश हो रही है पानी बढ़ सकता है और जो खतरे की निशानी है उससे आगे पानी बढ़ सकता है। अब देखना ये है कि सरकार उसके लिए क्या कुछ प्रबंध करती है और जो निचले इलाके के एरिया हैं वहाँ पे क्या कुछ करते हैं, क्योंकि जिस तरह से पानी बढ़ रहा है घरों में पानी जा सकता है और लोगों को काफी असुविधा रहेगी। अब देखना यह है कि सरकार क्या करते हैं। बने रही कशिश न्यूज के साथ, मैं काजल सर्वेश।